भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 आज साउथ अफ्रीका के पास सीरीज जीतने का है मौका। भारत और मेजबान साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मैच जो है रात 8:30 बजे से शुरू होगा, टॉस जो है 8 बजे होगा। वह 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 1-0 से बढ़त बना ली है। टीम ने दूसरे मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया था, जबकि पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। वह सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम जो है आज सीरीज बचाने उतरेगी, जबकि मेजबान टीम से जीतकर 2-0 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। टीम इंडिया जीतने की स्थिति में सीरीज 1-1 बराबरी हो जाएगी। वह टीम इंडिया सभी फॉर्मेट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर है। 17 तारीख से 3 मैचों के वनडे की शुरुआत भी होगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। वह हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जोहान्सबर्ग में दोनों टीमों के बीच अब तक जो 4 बार टी20 यहाँ पर खेले गए हैं, 4 टी20 खेले गए, उसमें यहाँ पर भारत की टीम ने यहाँ पर 4 में 2 जीते और 2 साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर जीते हैं। वही यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें टी20 में तो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच अब तक 25 मैच खेले गए, 13 भारत ने जीते और 11 साउथ अफ्रीका ने भी जीते हैं। वही सीरीज में टीम इंडिया कप्तान सूर्य कुमार यादव यहाँ पर रहे हैं। वह इस साल जो है टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने 14 मैचों में 370 बनाए हैं। सूर्य कुमार सीरीज के यहाँ पर दूसरे मैच में 56 रन की पारी उन्होंने यहाँ पर जरूर खेली थी। वह सूर्य के अलावा रिंकू सिंह ने पिछले मैच में ताबड़तोड़ पाली खेली थी, उन्होंने 39 बॉल में 68 रन बनाए। वह बॉलिंग अटैक की बात करें तो अस्दीप सिंह जो है टॉप पर रहे थे। वही अस्दीप सिंह ने 3 मैचों में जो है अब तक जो है 20 मैचों में 3 यहाँ पर बेस्ट के विकेट लिए 20 रन देकर और 35 यहाँ पर विकेट ले चुके हैं टोटल। वही साउथ अफ्रीका की बात यहाँ पर करें तो साउथ अफ्रीका की ओर से रिजा हैट्रिक्स और बॉलर जी जो है दोनों शानदार फॉर्म में है। वही दोनों ने पिछले मैच में टीम की यहाँ पर जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हैट्रिक्स ने 49 रन की पारी खेली थी तो गुरजी ने 3 विकेट लिए थे। मेजबान टीम के लिए फॉर्मेट टॉप रन स्कोरर यहाँ पर बोल रहे थे। वही बॉलिंग में टॉप जो है वो गुरजी रहे थे। दोनों ने यहाँ पर रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर कप्तान एंड्रू मार्कम जिन्होंने 7 मैचों में 214 रन यहाँ पर बनाए हैं। वही पिच की बात करें तो जो जोहान्सबर्ग की जो पिच जो है वांडरर्स की जो पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है। इस पिच पर ज़्यादा बाउंस है जिसके चलते गेंद बराबर बल्ले पर आती है, ऐसे में बल्लेबाजों के लिए भी रन बनाने का मौका यहाँ पर होगा। वह इस पिच पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हाई स्कोर मैच देखने को मिल सकता है। वह टी20 जो है कुल 32 टी20 मैच करेगा, इसमें 15 जो है बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने और 17 मैच जो है पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। वह इस मैदान पर हाई स्कोर 260 का है क्योंकि श्रीलंका 2007 में केनिया के खिलाफ बनाया था। लोवेस्ट स्कोर 83 है बांग्लादेश 2007 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। वही जोहान्सबर्ग में आज जो है मौसम को लेकर अच्छी खबर है। यहाँ मौसम साफ रहेगा, थोड़े बादल जरूर रहेंगे लेकिन बारिश में 3% यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। शुरुआती दिनों में बारिश यहाँ पर पहला मैच जो है वो यहाँ पर बारिश की यहाँ पर कारण रद्द हो गया था और हवा की रफ्तार आज 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तापमान 15 से 28 के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो भारत की कप्तानी आज करेंगे सूर्य कुमार, इसके अलावा यशस्वी गिल और दिलीप वर्मा, जीतीश शर्मा, रिंकू सिंह, जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह, मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज रहेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में कप्तान माक्रम और रिजा हैट्रिक्स और इसके अलावा मैथ्यू हेनरिक क्लासन, डेविड मिडल और स्टब्स, माको यानसेन और इसके अलावा कुची समसी और विलियम्स जो है इस टीम के अंदर रहेंगे। मुकाबला दोनों टीमों के बीच आज घाटे का होने वाला है।